मैं शिवशंकर झा, डायरेक्टर ऑफ झा क्लासेस फिरोजाबाद, आज बहुत दिन बाद आप लोगों से जुड़ने का मौका मिल रहा है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, कल और परसों यूपी पैट का एग्ज़ाम, जो कि यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से जितनी भी भर्तियां होती हैं, अब नई भर्तियां होंगी, बच्चों के लिए रिक्रूटमेंट होगा, उसके लिए यूपी पैट एग्ज़ाम हो रहा है, वो मैंडेटरी है। जैसे बेसिक के टीचर बनने के लिए पहले टेट क्वालिफाई करना पड़ता है, फिर सुपर टेट क्वालिफाई करना पड़ता है, उसी प्रकार से आपको यूपी ट्रिपल एससी की जो भी वैकेंसियाँ आएंगी, कुछ बी की, कुछ सी, कुछ डी, ग्रुप डी, उनके लिए यूपी पैट का एग्ज़ाम देना मैंडेटरी है। और अब क्वेश्चन आता है कि उस क्वेश्चन पेपर को हमें किस तरह से अटेम्प्ट करना है और कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ये वैसे ये मुझे बात नहीं बतानी चाहिए कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कि जो बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो तो ऑलरेडी जानते हैं, 100 क्वेश्चन 2 घंटे। ये पेपर कल और परसों 15th और 16th ऑफ अक्टूबर को 2 शिफ्ट में होने जा रहा है, सुबह शाम। तो झा क्लासेस परिवार की ओर से सभी विद्यार्थियों को यूपी पैट की ढेर सारी शुभकामनाएं, और वो भी सफल होने के लिए। मेरी मन की भावना से एक ही मैसेज आप लोगों के लिए कि इस एग्ज़ाम में आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, पासिंग स्कोर नहीं, मैक्सिमम स्कोर। अब ये आपको मैटर करता है आपके लिए कि आपका इसमें क्या क्या बेस्ट है, हमें कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, वो आपकी प्लानिंग, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी वो होनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है मिनिमम 75 क्वेश्चन या 75 मार्क्स आने ही आने चाहिए, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए। तो हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थी, पूरे हमारे उत्तर प्रदेश से, अदर प्रदेश से जा रहे बच्चे, वो सभी बच्चे अच्छी तरह से एग्ज़ाम दें, टाइम मैनेजमेंट करें, और मैक्सिमम इसको जो बच्चे करते हैं वो तो अच्छी बात है ही है, बट मिनिमम 75 मार्क्स ये कम से कम आने चाहिए, ऐसा प्रयास आपका रहना चाहिए। अगेन ढेर सारी शुभकामनाएं, थैंक यू, थैंक्स फॉर।